जानना चाहते हैं कि कनाडा में मुख्तलिफ सूबों में घरों की कीमतें क्या होती हैं, कंडोमिनियम अपार्टमेंट कितने के मिलते हैं और वो जाके घर खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। पहली बात तो ये कि किसी दूसरे मुल्क में आप अगर रहने के लिए जा रहे हैं, सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, तो जाते साथ घर खरीदना एक मुनासिब फैसला नहीं है और ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, कि दुनिया भर में लोग घर खरीद के तो नहीं रहते ना, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग किराए पर रहते हैं। घर खरीदने का मरहला आता है 4 साल 5 साल 6 साल बाद, जब आप किसी एक जगह फुली सेटल्ड हो जाते हैं। इवन अपने मुल्क में, आपके इंडिया पाकिस्तान में भी, नौकरी लगते साथ घर खरीदना तो कोई अच्छी बात नहीं है किसी लड़के का या किसी लड़की का, जब वो देख ले कि उसने किस शहर में रहना है और वो एज के उस हिस्से में पहुंच जाए कि उसको सेटल होना है कहीं, तो घर खरीदना मुनासिब फैसला है माहरीन के नज़दीक। तो बात करते हैं कनाडा की, कि कनाडा में घर खरीदने के लिए मालूमात तो देनी होगी क्योंकि वीडियो बनानी है, लेकिन शुरू में बता दिया कि शुरू में घर खरीदने का ना सोचें। शुरू में सोचा जाता है कि काम कैसे मिलेगा, रोजगार, किचन कैसे चलाएंगे, धंधा कैसे करेंगे, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कहाँ से करके और आगे बढ़ेंगे, इस पे फोकस होता है। जब आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हो, बहुत पैसे बनाने लगते हो, आप पावरफुल हो जाते हो, कम्युनिटी के एक मजबूत आदमी बन जाते हो, तो आप 10 जगह घर ले लो, एक के बजाय 4 ले लो। लेकिन शुरू में घर को इतना फोकस नहीं करना चाहिए। शुरू में क्या करना चाहिए, शुरू में जाके सेटल होना चाहिए मिनिमम खर्चे पे, कि सर छुपाने की जगह हो, और उसके बाद निकल के बाहर उस सिस्टम को सीखें, उसको समझें, और फिर देखें कि वहाँ आपको दुकान खोलनी है, कोई काम करना है, या कोई नौकरी करनी है, कि ऊबर चलाना है शुरू में, या कुछ और काम करना है। ठीक है, चलें। शुरू में आपको बेसमेंट में रहने की जगह कैसे मिलेगी, अगर आप जहाँ पहुँचेंगे, अगर आप ओंटारियो पहुँचते हैं, GTA में, मिसिसागा में, टोरंटो में, एडमंटन में, ओकविल में कहीं, या किसी और सूबे में, वैंकूवर में जाते हैं या अल्बर्टा में जाते हैं, तो शुरू में जाकर Airbnb में आप कोई रहाइश ढूंढ लें। आमतौर पे आपको छोटा मोटा कोई घर का पोर्शन, कोई बेसमेंट मिल जाएगा 1-2 हफ्ते के लिए, जगह मस्जिद के करीब हो, इस्लामिक सेंटर के करीब हो, ताकि आपको कोई लिफ्ट कराए, कोई आपको सुने, कोई आपको समझे, कहीं पर आपको ट्रस्ट हो, और आपकी घर से दूरी के बाद जो आप पे उदासियत और परेशानी होती है, तो अल्लाह ताला के घर के करीब रहने की वजह से उसमें कमी हो। आरजी ठिकाना, चाहे अगर आप अपना नहीं लेना चाहते, किसी आपके अजीज हैं वहाँ जा रहे हैं आरजी या मुस्तकिल ठिकाना रखने के लिए, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे, आप मस्जिद जाकर उसके नोटिस बोर्ड पे देखें, वहाँ जिन लोगों ने घर खरीदे हैं वो घर के साथ उनका एक हिस्सा होता है बेसमेंट का, नीचे भी ऐसे ही घर होता है लेकिन थोड़ा वो बेसमेंट में होता है, वो आमतौर पर चूंकि उनको बैंक की किस्त देनी होती है, तो वो चाहते हैं घर लेते ही ऐसा है कि जिसका एक बेसमेंट हो, और बेसमेंट का अलग दरवाज़ा हो, ताकि उसको मालिक मकान को डिस्टर्बेंस भी ना हो, और आप वहाँ रहते हुए उसको किराया दे सकें। मिनिमम बेसमेंट का, छोटे से छोटा एक कमरे का भी होगा, तो इस वक्त जिस सूबे में मैं रहता हूँ, ओंटारियो में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, टोरंटो में या उसके आसपास, मार्कहम, मिसिसागा, एजेक्स, इन जगहों पे 1800 से शुरू होगा और आपको एक मुनासिब बेसमेंट मिलेगा 2000 के आसपास, या आप ले लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा अरसे मत खींचिए, बेसमेंट में रहने के भी अपने नुकसान हैं, और बहुत से लोग खुश नहीं होते, उनमें उदासियत होती है, धूप नज़र नहीं आती, और गर्मी कभी ज़्यादा हो जाती है बेसमेंट में, अगर वो हीटिंग तेज चलाएं ऊपर वाले मालिक मकान, और कूलिंग तेज चलाएं तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, वाट एवर, एक ये रीज़न होता है। फिर प्राइवेसी नहीं रहती, आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपके कौन मिलने आ रहा है, नहीं आ रहा, सारा आपका देसी मालिक मकान देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है, और हफ्ते में 1-2 दफ़ा वो आपको टोकेगा भी कि आपके दोस्तों ने गाड़ी ठीक नहीं खड़ी की थी, और ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जो फ्रीडम है जिसके लिए आप आए हैं, वो आपको भरपूर तौर पर बेसमेंट में रहते हुए हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं कभी भी बेसमेंट में नहीं रहा, अपने मिजाज की वजह से मुझे अंदाज़ा था। मैंने लिया था सन 1997 में एक बहुत ही बोसीदा सी बिल्डिंग, उसका एक कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट, और उस ज़माने में उसका किराया कम था। आजकल अगर वैसे ही बिल्डिंग में एक कमरे का कोई अपार्टमेंट मिलेगा आपको, तो कम से कम भी $2400-2500 का होगा। मैंने वहाँ क्यों लिया था अपार्टमेंट, इसलिए कि अच्छे अपार्टमेंट में अच्छे कंडोमिनियम के मालिकान जो हैं, वो किराए पे देते हुए देखते हैं कि ये आदमी जॉब करता है कि नहीं, इसकी क्या वर्क हिस्ट्री है, और इसका क्या रिकॉर्ड है, इसकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं, और
डरते हैं किसी मुफलिस को, किसी नए आदमी को, रिफ्यूजी को देते हुए, किसके पास पैसे ही नहीं होंगे आगे किराए देने के, तो ये कैसे मुझे किराया देगा, और किराएदारों के फिर लड़ाई झगड़े अदालत में उसके हकूक। तो इसकी वजह से आमतौर पर अगर आपको शुरू में अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री आपकी नहीं है, आपके पास जॉब लेटर नहीं है, और फिर भी आपको कोई अपार्टमेंट, तो आप ज़्यादा चूज ही ना बने, जो मिनिमम मिल जाए, जो आसानी हो, बस स्टॉप के करीब हो, स्टेशन के करीब हो, आप ले लें ये अपार्टमेंट। बाद में आप जब कमाने लगें, आपकी हिस्ट्री बन जाए, तो आप एक अच्छे इलाके में अच्छा अपार्टमेंट लेके ठाट से रहें। और कुछ लोग पसंद करते हैं, उनकी छोटी फैमिली होती है, अच्छे लग्जरी अपार्टमेंट को कंडोमिनियम कहा जाता है, कि एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें अलग अलग मालकान होते हैं, और वो अपनी मर्जी है उनकी, वो 2500 पे किराए पे दें, 2400 पे दें, 3000 पे दें, और वो और आपके दरमियान माहदा है उसका, 11-11 महीने का माहदा होता रहेगा, तो ये भी एक अच्छी लिविंग है। और कंडोमिनियम में बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ होती है, फिटनेस सेंटर होता है, स्विमिंग पूल होता है, खेलने कूदने की जगह होती है, पार्किंग होती है, विजिटर की पार्किंग होती है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और कोई आपको शिकायत हो तो कोई सुनने वाला होता है, तो हर तरह से एक 5-स्टार टाइप की होटल की लिविंग होती है वहाँ पे। तो शुरू में चूंकि आपका फोकस जॉब पे होता है, तालीम पे होता है, और आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे होते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि कंडोमिनियम अपार्टमेंट इज़ ए गुड चॉइस। वो 2 कमरे के भी होते हैं, वो 3 के भी होते हैं। जहाँ तक बात है घरों की, घर भी किराए पे मिलते हैं, जिनकी 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके लिए कंडोमिनियम में ना उनको मिलेगा आसानी से, और ना वो एडजस्ट कर सकेंगे, उनको 3-4 कमरे चाहिए। तो घरों की इस वक्त जो किराए की का रेट चल रहा है वो 3000 प्लस माइनस है, 3200-3500। अच्छे घर हैं, ऊपर नीचे फुल घर हैं, तो 5000 के, 4500 के डॉलर के आपको मिलेंगे। कंडोमिनियम हो या आपका घर हो किराए का, दोनों जगह आप बिजली का बिल पे करेंगे, छोटी मोटी चीज़ें आप खुद कर लेंगे घर के अंदर की, मालिक मकान को थोड़ी तंग करेंगे, कोई बड़ी चीज़ तो आपकी हेल्प करेगा। और अब अगर सुबह से निकले बाहर, तो यही किराए की कीमतें अल्बर्टा में कम होंगी, तकरीबन 30-40% कम होंगी, अपार्टमेंट की भी और घरों की भी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत कम है, तो उसके लिहाज से किराए भी कम होंगे। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ जिसका दार खिलाफा वैनकूवर है, वहाँ पे मकानात और रिहाइश की कीमतें टोरंटो से थोड़ी ज़्यादा या तकरीबन बराबर ही होगी। और बहुत सारे छोटे सूबे हैं जहाँ कम आबादी है, कम लोग जाना पसंद करते हैं, सैस्केचवन और दूसरी जगह, वहाँ किराए कम होंगे, लेकिन जाहिर है वहाँ जॉब के इम्कान कम होंगे, वहाँ कारोबार के इम्कान कम होंगे, तो आप ऐसी जगह पे क्यों जाना चाहेंगे? आप तो चाहेंगे कि बड़े शहर में जहाँ आबादी ज़्यादा हो, बिजनेस ज़्यादा हो, बड़े बड़े दफातर हों, हेड ऑफिस हों, वहाँ जाएं। और आखिर में थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप एक अमीर फर्द हैं, आप एक कारोबारी खाते पीते हैं, और पैसा आपके लिए इशू नहीं है, आप जाते साथ घर खरीदना चाहते हैं, तो टोरंटो और उसके अतराफ में जहाँ मैं रहता हूँ, घरों की कीमत $1 मिलियन के बाद शुरू होती है, और मुनासिब घर जो मैं पसंद करूंगा अपने लिए या आपको मिनिमम पसंद आएगा, वो 12-13 लाख डॉलर से शुरू होगा, और आइडियल घर, अच्छे घर जो हैं, वो इस वक्त $15 लाख के होंगे। इसी तरह कंडोमिनियम जो नए जदीद बने हैं, वो $7 लाख से शुरू होंगे, और अच्छे कंडोमिनियम $8-9 लाख के आसपास आपको मिलेंगे। और आगे पीछे आप होना चाहें मिसिसागा और ब्रैम्पटन और रॉकविल, तो शायद बाद इलाकों की कीमतें यहाँ से भी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, एजेक्स, आशवा, विडबी और दूसरी जगहों पे, तो 1-2 लाख आप इसको माइनस करते चले जाइए जैसे जैसे दूर जाएंगे। तो आप अगर देखना चाहें कि क्या कीमतें हैं किराए की और मकान की, और अच्छा रिसर्च करना चाहें, तो उसके लिए वेबसाइट है zolo.ca, zolo.ca पे आप जाके नक्शा खोलें, नक्शे के बेस पे देखें किस इलाके में क्या क्या अवेलेबल है, रेंट पे क्या क्या है, ख़रीदने में क्या है, और किस प्राइस पे मिल रहा है, उसकी आपकी तस्वीरें और वीडियो वगैरह देख सकते हैं। और आरजी तौर पर आपको रुकना है तो एयर बीएनबी बहुत अच्छी चीज़ है, बजाय अपने रिश्तेदार के पास आने के, अपने दोस्त को, क्योंकि वो भी बेचारे छोटी जगहों पे रह रहे होंगे, बस गुजारा हो रहा होगा, वो तकल्लुफ में तो आपको कह देंगे कि आप आ जाइए और हमारा घर हाजिर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि वो भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहेंगे, आप उन्हें देना चाहेंगे कीमत तो वो नहीं लेंगे किराए की कीमत, तो क्यों ना आप बावकार तरीके से कुछ मेहनत करके पैसे जमा कर लें और एयरबीएनबी पे जाके आप एक हफ्ते के लिए रुकें, क़याम करें, उनसे आप दूसरी हेल्प लें, उनसे आप दूसरी हेल्प लें कि किराए में अच्छा ढूंढने में हेल्प करते हैं,
गाड़ी अच्छी खरीदने में हेल्प कर दें, कुछ चीज़ें बता दें, कहीं आपको काम पे लगा दें, और एक हफ्ते की जो शुरू की जो मुश्किलात के दिन हैं वो आप उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका कोई सवाल हो तो मैं कमेंट में उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।